आप सभी को नमस्कार। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से पीएम एफएमई योजना की क्षमता निर्माण गतिविधि के तहत माल्टा सिरप के वीडियो प्रदर्शन सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। माल्टा ग्रेप फ्रूट और संतरे से तैयार छोटा और चटक रंग का हाइब्रिड फल है। आमतौर पर माना जाता है कि ये इटली में म्यूटेशन फ्रूट क्रॉप के रूप में उत्पन्न हुआ था और सदियों से वहां इसकी खेती की जाती है। इसे बड़े पैमाने पर दक्षिणी स्पेन और माल्टा में भी उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तराखंड की पहाड़ियों में की जाती है, जहां इसका उपयोग स्क्वैश, प्रोसेस्ड जूस, जैम, जेली, मार्मलेड और अन्य उत्पाद बनाने में किया जाता है। उच्च मूल्य वाली इस फसल में कई सारे उपचार संबंधी गुण होते हैं। कहा जाता है कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है और निमोनिया, रक्तचाप, पेट और आंत से संबंधित समस्याओं और विटामिन सी की कमी से संबंधित रोग के इलाज में कारगर है। इस फल में विटामिन सी बहुतायत में पाया जाता है और इसे अन्य सिट्रिक फ्रूट्स के विकल्प के रूप में सुझाया गया है। इस फल के छिलके को फेस मास्क बनाने में उपयोग किया जाता है, जिससे त्वचा की बीमारियों और मुहासों को कम किया जा सके, और बीजों का इस्तेमाल पशुओं के लिए उच्च प्रोटीन युक्त चारे में किया जाता है और ये उर्वरक में इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम माल्टा फल का माल्टा सिरप में प्रसंस्करण देखेंगे। फ्रूट रिसेप्शन। फलों को ट्रकों में लाया जाता है, जो इन्हें फ्रूट रिसेप्शन वाले स्थान पर लाकर उतार देते हैं। सतह पर मौजूद गंदगी और कीटनाशक अवशेषों को हटाने के लिए फल को पहले ही धोया जा सकता है। इसके बाद हाथ से निरीक्षण के द्वारा प्री ग्रेडिंग करके खराब फल को हटाया जाता है। अच्छी गुणवत्ता के फल को स्टोर किया जाता है। खराब फल सीधे फीड मिल में जाते हैं या फेंक दिए जाते हैं। जूस निकालने की विधि। रस निकालने के लिए साबुत या आधे कटे माल्टा को मशीन की सहायता से निचोड़ा जाता है। रस उत्पादन प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ लेने और तैयार पेय की अच्छी गुणवत्ता के लिए सही तरह से जूस निकालना महत्वपूर्ण है। कड़वे स्वाद वाले फलों को सावधानी पूर्वक अलग करना चाहिए, जिससे रस की मिठास परिवर्तित न हो। चाशनी बनाने की तैयारी। इसके लिए दानेदार चीनी को गर्म पानी में 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिश्रित किया जाता है। चीनी के घुलने के बाद सिरप को थोड़ी देर तक खौलाया जाता है। फोमिंग या स्कमिंग विधि के द्वारा अवांछित तत्व या जमे हुए पदार्थ को हटा दिया जाता है। 0.3% सिट्रिक एसिड मिलाने से सिरप में शुद्धता आती है। सिरप में कुल 68% घुलनशील पदार्थ और न्यूनतम 1 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर सिट्रिक एसिड होना ही चाहिए। कॉर्न सिरप की जगह अधिकतम 10% चीनी का प्रयोग किया जा सकता है। खुली केटल्स में उबालना। सामग्री: माल्टा का रस 350 से 400 लीटर, चाशनी 650 से 660 लीटर, सिट्रिक एसिड 10 किलो अधिकतम। रस को पहले से तैयार चाशनी में मिलाया जाता है। कुल समय जितना संभव हो उतना कम होना चाहिए, जिससे फ्लेवर लॉस और अत्यधिक मात्रा में शुगर इन्वर्जन से बचा जा सके। उबलने के आखिरी पड़ाव पर एसिड मिलाया जाता है। उबलने की पूरी प्रक्रिया के दौरान झाग को हटाना आवश्यक है। रंग और अर्क को आखिर में मिलाया जाता है, ताकि बिना इसके नुकसान के अधिकतम स्वाद और सुगंध प्राप्त की जा सके। सिरप को छानना। क्रिस्टल्स को साफ करके क्लियर ट्रांसल्यूसेंट सिरप प्राप्त करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण विधि है। सिरप को वार्म कंडीशंस में कपड़े
या छानने वाली छलनी का उपयोग करके छाना जाता है। माल्टा सिरप को भरना। बोतलों में माल्टा सिरप भरने की प्रक्रिया को जितना संभव हो उतना सड़न रोकने वाली परिस्थितियों में किया जाता है, ताकि ऑस्मोफिलिक यीस्ट द्वारा सिरप को संक्रमित होने से बचाया जा सके। आमतौर पर सिरप भरने के लिए बोतल या जार का उपयोग किया जाता है। सिरप को सुरक्षित रखने के लिए इसमें उच्च मात्रा में चीनी और लो वाटर एक्टिविटी रहती है। कंटेनर किसी भी प्रकार का हो, लेकिन माल्टा सिरप को साफ और स्वच्छ कंटेनरों में पैक किया जाना चाहिए। माल्टा सिरप का भंडारण। एक बार कंटेनरों या बोतलों में सिरप भरने के बाद उन्हें डिब्बा बंद करने और एक साथ पैक करने से पहले ठंडा किया जाना चाहिए। डिब्बों को ऐसे हवादार और सूखे भंडारण कक्षों में रखा जाना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश न हो, स्वच्छ और कीटाणु रहित हो। उपकरण और मशीन। फ्रूट वॉशिंग मशीन, जूस एक्सट्रैक्शन मशीन, इलेक्ट्रिक हीटिंग जैकेटेड केटल, फिल्टर प्रेस, लिक्विड फिलिंग मशीन। अब तक हमने PMFME योजना में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत माल्टा सिरप प्रसंस्करण के प्रदर्शन को देखा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में केंद्रीय प्रायोजित अखिल भारतीय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना शुरू की है, जिससे मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जा सके। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ दिए गए हमारे वेब लिंक पर जाएं।